ऑल राइट एवरीवन, तो एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का मोस्ट वाला वेलकम। तो एक बार फिर से अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर्वाइवल गेम्स की। एंड वैसे 40K सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू। इस वीडियो के अंदर आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही तरह के गेम मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कम्प्लीटली मल्टीप्लेयर गेम चाहिए सर्वाइवल जॉनरा में, तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, आप लोग उसे जाकर देख लेना। तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि सीरीज में आने वाले सभी गेम्स का साइज बड़ा होगा, एंड तुम्हारे पास में तो एक लो एंड डिवाइस है, सो डोंट वरी। वीडियो के अंदर तीन ऐसे गेम है जिनका साइज आपको अंडर 500 MB देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इस वाले वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा गोल क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, तो नीचे कमेंट करके इसका आंसर बता दो। यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 1 सर्वाइवल गेम की। सो गाइस, हमारी सीरीज में आने वाला नंबर 1 गेम है आइसोलेटेड आइलैंड म्यूटेशन। ये वाला गेम 2024 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक सिंगल प्लेयर सर्वाइवल गेम है जहां पर आपको नॉर्मल सी आइलैंड वाली स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या बात कर रहे? तो इस गेम के अंदर आप एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करोगे जिसका काम है अलग अलग आइलैंड पर जाकर उनकी समस्याओं का हल निकालना। क्या मतलब, जिंदगी में पहले से ही बहुत दिक्कतें हैं। फिलहाल आप लोग जिस आइलैंड के ऊपर हो वहाँ पर मिस्टीरियस इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से काफी सारे क्रिएचर्स एंड निर्दयी लोगों का जन्म हो चुका है जिन्हें आपको खत्म करना है। बाकी जो बेसिक काम है वो तो आप लोग को करने ही होंगे, जैसे कि क्राफ्टिंग करना, हंटिंग करना, आइलैंड एक्सप्लोर करना और मॉन्स्टर से सर्वाइव करना। ग्राफिक्स क्वालिटी आप लोगों को डिसेंट लेवल की देखने को मिल जाएगी एंड फीमेल कैरेक्टर भी होगी जो कि इस जर्नी में आपके साथ है। रही बात इस गेम के डाउनलोडिंग साइज की, तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 120 MB एंड ये गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। अगर तुम्हारे पास में एक लो एंड डिवाइस है तो डेफिनेटली आपको ये वाला गेम ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 2 गेम की। सो गाइस, हमारी सीरीज में आने वाला सेकंड गेम है स्ट्राइकर एनोमली जोन लाइट। ये वाला गेम 2024 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक थर्ड पर्सन शूटिंग सर्वाइवल गेम है। स्वागत है आपका एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जो कि रहस्यमयी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सो ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है जहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई भी इंसान देखने को नहीं मिलेगा। जलवा है हमारा। इस गेम के अंदर आपको हार्ड कोर सर्वाइवल सिस्टम देखने को मिलेगा, वो भी टॉप नॉच ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ में। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर्स, क्रिएचर्स एंड ज़ॉम्बीज देखने को मिलेंगे जिनका सामना आपको अकेले करना होगा। ज़ॉम्बीज को मारने के लिए आपके पास में डिफरेंट वेपन होंगे एंड आप इस गेम को थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से खेल सकते हो। कमाल की बात यह है कि गेम के अंदर डिफरेंट एंडिंग है और इस गेम की एंडिंग क्या होगी वो आपके डिसीजन के ऊपर मैटर करता है। रही बात इस गेम के डाउनलोडिंग साइज की, तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 600 MB एंड ये वाला गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। तो आप लोग इस वाले गेम को ट्राई कर सकते हो, गेम काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 3 गेम की। सो गाइस, हमारी सीरीज में आने वाला थर्ड गेम है टाइटेनाइट। तो फिलहाल इस वाले गेम का न्यू बीटा रिलीज हो चुका है जिसे कि आप लोग अभी के टाइम पर खेल सकते हो। सो गाइस, ये एक फ्यूचरिस्टिक सर्वाइवल गेम है जिसके अंदर जो पूरा मैकेनिज्म है ना वो आप लोग को एडवांस लेवल का देखने को मिलेगा। इस गेम के अंदर आपका सामना ज़ॉम्बीज या फिर मॉन्स्टर से तो नहीं होगा, ये एक फ्यूचरिस्टिक गेम है तो यहाँ पर दिक्कत आपको एडवांस लेवल की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका सामना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI रोबोट से। रोबोट्स ये चाहते हैं कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर इंसानी प्रजाति को खत्म किया जाए एंड साथ ही में रोबोट्स का साम्राज्य बनाया जाए, तो ये महाकांड होने से आप लोगों को रोकना होगा। इस गेम के अंदर आपको मैसिव ओपन वर्ल्ड एरिया, डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट टाइप के वेपन देखने को मिलेंगे एंड ये एक मल्टीप्लेयर गेम है जिसे कि आप लोग दोस्तों के साथ में भी खेल सकते हो। रही बात इस गेम के डाउनलोडिंग साइज की, तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 4.5 GB एंड ये वाला गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इस वाली वीडियो को यहाँ तक देख लिया एंड आपको ये वाली सीरीज पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो आप लोग अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 4 गेम की।
सो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला फोर्थ गेम है पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3। सो गाइस आप लोग पॉपी प्ले टाइम को भूल तो नहीं गए, पिछले साल ये वाला गेम काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था फ्रॉम पीसी एंड मोबाइल डिवाइसेस। फिलहाल इस गेम के 3 चैप्टर आ चुके हैं लेकिन मोबाइल डिवाइस के लिए अभी सिर्फ 2 ही अवेलेबल है। चौंकने वाली कोई बात नहीं है बिकॉज ये एक फैन मेड गेम है जिसे कि आप लोग अभी के टाइम पर स्मार्टफोन के ऊपर खेल सकते हो। पॉपी प्ले टाइम एक इंटेंस हॉरर गेम है जिसको खेलते वक्त आपकी जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। चैप्टर 3 के अंदर आपको एक न्यू स्टोरी लाइन, नया मॉन्स्टर और तगड़े लेवल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। रही बात इस गेम के डाउनलोडिंग साइज की तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 1.7 GB एंड ये वाला गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। सो गाइस आप लोग इस वाले गेम को भी ट्राई कर सकते हो, गेम काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वीडियो में आने वाले नंबर 5 गेम की। तो गाइस हमारी सीरीज में आने वाला पांचवा और आखिरी गेम है लास्ट वर्ल्ड। ये वाला गेम 2024 के अंदर लॉन्च हुआ है एंड ये एक एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल गेम है जो कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास में एक लो एंड डिवाइस है तो ये वाला गेम तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। इस गेम के अंदर आप लोग क्राफ्टिंग कर सकते हो, बिल्डिंग कर सकते हो एंड ये गेम ना आप लोग को पैलवर्ल्ड गेम से काफी सिमिलर देखने को मिलेगा। तो इधर आपको डिफरेंट टाइप के क्यूट मॉन्स्टर भी देखने को मिलेंगे जिन्हें कि आप लोग टेम कर सकते हो और जो बड़े बड़े मॉन्स्टर होंगे उनसे आप लोग को बैटल करनी होगी। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के लोकेशंस भी देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आप लोग रहने के लिए शेल्टर बनाओगे एंड क्राफ्टिंग करने के लिए नए नए टूल्स को क्रिएट करोगे। रही बात इस गेम के डाउनलोडिंग साइज की तो फिर वो आपको देखने को मिलेगा 175 MB एंड ये वाला गेम कम्प्लीटली ऑनलाइन है। अगर आपको कम साइज के अंदर कोई पैलवर्ल्ड ऐसा सर्वाइवल गेम चाहिए था तो आप लोग इस वाले गेम को ट्राई कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोग को 5 के 5 सर्वाइवल गेम बता दिए हैं। टाइम आ चुका है इस वाली सीरीज को यहीं पर एंड करने का। तो अगर आपको सीरीज में से कोई भी गेम पसंद आया हो तो आप लोग अभी जाकर वीडियो को लाइक कर दो। फ्यूचर में ऐसी कमाल की वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग देखते रहो कैपिटल गेमर 7। मैं आपसे किसी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के अंदर दोबारा मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।